हेलो जी सत श्रीकाल ते खुशामदी ख्वातिनो हाजरा तुहाडा एक बार फिर स्वागत है साडे चैनल ते जिहदा नाम है प्रीत बानी रिएक्ट। यार क्या लगा ना जिदा मैं एंकर ही बन गया बिल्कुल। वैसे गाइस जे तुसी चैनल ते आई गए तो पहले जाके करो चैनल नु सब्सक्राइब। उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल नु सब्सक्राइब किया होया ते सानू प्यार दिंदे ने। जेड़े साडे चैनल ते नवे ने ओ पहला जाके करो चैनल नु सब्सक्राइब, फिर उस तो बाद आके जी साडे नाल देखो वीडियो ते मजा लो। बेल आइकन दबाना ना भुला क्योंकि ओदे करके ही तुहानू आएंगी वीडियो दी नोटिफिकेशन। स्टूडेंट नोमी देखते हैं, बहुत मजा आएगा। वह गल करते हैं भावे स्टूडेंट बन जाए, भावे ट्रंप बन जाए, भावे मीरा बन जाए, जो मर्जी बनो यही गल करते हैं। खतरनाक से स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना, मजा आएगा। शो का आगाज कर रहे हैं अपने प्यारे लाडले नोमी के साथ गुफ्तगू से। बस जुनैद अंकल मैं बातों में ही लाडला हूँ, वैसे अगर कोई बात कर दूं तो फौरन जाके बिठा दिया जाता हूँ। तो कहते सब यही है कि हमारा बहुत लाडला बेटा, हमारा बहुत लाडला। पर नोमी तुम लाड प्यार से ही बड़े लंबे हो गए हो। तो जो लाड प्यार नहीं कराते वो आप जितने रह जाते। आप तो खुद कहते हैं कि तुम्हारी दादी मुझे बहुत लाड करती थी, तो आप क्यों फिर पौने चार फुट है। सुना तुमने, नकम्मे बच्चों के लिए कहा जाता है लाडले और प्यारे बच्चे। अगर तुम कुछ होते तो आज जिनेश साहब कहते कि टैलेंटेड और जहीन नोमी से बात करते हैं। ऐसी भी सर कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से टैलेंटेड भी हूँ, जहीन भी हूँ। याद करें जब क्लास में बात हो रही थी कि शाहरुख की पहली फिल्म कौन सी आई थी, पूरी क्लास में कोई नहीं था बता सका। मैंने ही बताया था पहली फिल्म शाहरुख की दीवाना थी। आपने साथ मेरा भी बता दिया कि टीचर भी फिल्में देखता है। ऐसे जितनी देर से तालीमी इदारे बंद है हमारे, मेरा ख्याल ना टीचर क्या, स्टूडेंट्स क्या, सारा स्टाफ इसी तरह वक्त गुजारता है। तो देख देख नहीं जुनैद साहब, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कॉलेज स्कूल ना खुले। दिल तो यही करता था। नहीं मगर थोड़ा थोड़ा सा तो मार्जिन दे ना, एकदम तो नहीं खोल देने चाहिए। अरे इतने महीनों से आराम कर रहे हो तुम यार। हाँ तो फिर तैयारी भी पकड़नी होती है, कोई एक महीना तो और देना। आजकल के स्टूडेंट्स का हाल देख लो। नहीं सर मैं तो कहता हूँ कल खुलने की बजाय आज खुलने चाहिए, इतना हर्ज हो गया, इतना हर्ज हो गया कि आपको बता नहीं सकते। ये भी स्टूडेंट है, देखो जरा। नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ कि ना खुले, खुलने चाहिए स्कूल, लाजमन खुलने चाहिए, मगर कुछ तरीका कार होना चाहिए ना। अब आप एकदम उधर को मुंह करा के तो इधर से टीका लगा दें तो ये तो गलत बात है। यार पहले बताना तो चाहिए ना बच्चे को कि तुम्हें टीका लगवाने लगे। स्कूल जाने की मिसाल क्या दे रहे, टीका लगना, तकलीफ होना, खुदा का खौफ करो। और तुम्हें कैसे बताया जाए, इन्हें ये बताया जाए कि दो साल बाद स्कूल खुलेंगे, पहले इतना बताया जाए। दो साल तो मैं नहीं कह, और मगर कम से कम एक महीने का मार्जिन होना चाहिए। सर आप क्यों नहीं बोल रहे, आप कहते थे कि उधर जाकर डटना है इसी बात पे कि अभी ना खोले जाए। सर आपको क्या प्रॉब्लम है अगर जल्दी खुल जाए तो? जी सौ मसरूफियात होती है, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है। आपने सर किस चीज की अपॉइंटमेंट ली हुई थी? वो एक्चुअली मैंने फेशियल करवाना है। मतलब गली में है ना पार्लर, उनको मैंने दिखाया, उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, किसे अच्छे कारीगर के पास जाओ। जो अच्छे कारीगर है वो तो आपको पता है कि वो महीना महीना बाद की अपॉइंटमेंट देते हैं। जैसे किसी सीरियस मरीज को देख के डॉक्टर कहते हैं इसको लाहौर ले जाए। नहीं जुनैद अंकल ये बात नहीं है, असल बात सर भी नहीं बता रहे। इन्होंने अपने बेटे की शादी तय की हुई है। अच्छा देखिए इतनी इतनी जरूरी जो कमिटमेंट्स की हुई है लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ही नहीं सिर्फ। क्यों ये भी तो हो सकता है ना कि सर ने जहाँ पे अपने बेटे की शादी तय की उन लोगों की फरमाइश हो, शर्त हो बन के दूल्हे का वालिद फेशियल करा गया है। क्या वजह है, गांव वाले डरते मुझसे, क्या बात है? दूल्हे के वालिद ने निकाह नामे पे साइन करने होते हैं, कोई निकाह खान को हाउ नहीं करना होता। मम्मी अपनी तालीम की बात करो, पढ़ाई की बात करो। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं के एक महीना तो मार्जिन दे के स्कूल खोले ना। और टेलीविजन पर रोजाना ये चलाए, आज 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, इस तरह बताएं तुम्हें स्कूल का।
मैं कब ये कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ अनाउंस तो करें ना कि ठीक एक महीने के बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे, दैट्स इट। ओ भाई, 5 महीने हो गए हैं स्कूल का मुंह देखे हुए और तुम चाहते हो कि 1 महीना और छुट्टी हो जाए। बिल्कुल गलत, मैं तो रोज स्कूल के आगे से गुजर के ग्राउंड में जाता हूँ। मैं तो रोज स्कूल का मुंह देखता हूँ, मैं इतना भी जाहिल स्टूडेंट नहीं हूँ। स्कूल के मुंह की तो बात ही नहीं हो रही, बात तो हो रही है स्कूल की छुट्टियों की। वो अगर हुई है, इस दफा 5 महीने हो गई हैं, तो ये हमारा कसूर तो नहीं ना, ये तो कोरोना की वजह से हुई है ना। तुम लोगों ने तो आराम किया है ना, सीधी बात है। आराम कहाँ किया है, सारा दिन यही सुनते रहते हैं, बहुत खेल लिया, बहुत आवारा फिर लिया। किस तरह तुम पास हो गए, किस तरह तुम अपनी फूफो का बेटा देखो, उसका ए ग्रेड आ गया। अपने चचा का बेटा देखो, वो डॉक्टर बन गया। यही सुन सुन के तो 5 महीने गुजर गए। जाहिर है जो फीसें देते हैं उनको तो ये दुख होगा ना कि मेरा बेटा डंगर बन गया। भाई छुट्टियों के बावजूद जुनेद बेटा फीसें भरी है। 5 महीने में एक दिन इन्होंने कहा कि नौमी कोई ऐसी बात नहीं, जाओ जाके एंजॉय करो, दोस्तों के साथ गिलगित चले जाओ, उंजा चले जाओ, सारा कुछ तुमने कहा जाना। तो फिर ये हमारा कसूर तो नहीं, गवर्नमेंट का कसूर है ना। देख रहे जिन्हें साहब, तो तुम्हें अकेले कोई हुंजा जाने का शौक है, इसको हुंजार डॉक्टर ने मना किया हुआ, ये नहीं कर सकता। लेकिन जिनेद साहब ये इतना पढ़ाई का शकीन है, नाम रोशन कर दिया इसने मेरा मुल्क का, इतना इतना शौक इसको पढ़ने का, ये तो फौज की भी जाता ना इसके हाथ में किताब होती। तो ये कौन सी अच्छी बात है, फौजगी पे भी किताब पकड़ी हुई है। अगले क्या सोचेंगे, हमारा अबू फौज हो गया और इसको केमिस्ट्री की पढ़ी हुई है। और मिसाल दी है एडा तू ज़ुबैदा आपा। और जुनेद साहब असल में बच्चों को फारग रहने की आदत पड़ गई है। ये बच्चों का हाल ही नहीं है, आप दफ्तरों में जाकर देखें जो अफसर बैठे हुए हैं काम करने के लिए, उनका हाल देखें, वो भी फारग बैठे हैं। आप कोई काम करवाने के लिए जाएं, उनसे बोलें मेरा ये काम कर दे, आगे से आपको समझाने लग जाएंगे। अभी इतनी जल्दी घर से बाहर न निकले, कोरोना भी गया नहीं। ये बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ी तैयारी का टाइम दे देना। एकदम तो स्कूल कोई भी नहीं जा सकता, अभी यूनिफॉर्म भी धोने के लिए देना है धोबी को। हाँ, पहले धोबी को देना है, फिर एक महीना उसके खुश होने में लगेगा। फोन करो, साफ साफ बात करो कि दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने को। जुनेद अंकल मेरा बैग फट गया हुआ है, उसको भी तो सिलाना है ना, वरना बुक्स भी इसमें जब गिर जाएंगी तो फिर यही मुझे कहेंगे कि इसको पढ़ने का शौक ही नहीं, इसलिए इसने बुक्स गिरा दी। तुम खुदा ना स्कूल जाओ, मैं तुम्हें नया बस्ता ले देता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, नया बस्ता ले दे आप इसे। नहीं, फजूल खर्ची की क्या जरूरत है पापा, फिर इतने पैसे खर्चेंगे, वो फटा हुआ है जो सिल भी सकता है, उसको सीना दे देंगे बस्ते को, एक हफ्ते के बाद तो दे देता है वो। भाई 5 मिनट में बस्ता सिल जाता है, एक हफ्ता कहाँ लगा रहे हो आप? अपने बेटे की बात करें, हमारी बात में न बोले। एक हफ्ते में बस्ता सिल जाए, एक हफ्ते में मेरा यूनिफॉर्म धुल के प्रेस भी हो जाएगा, एक हफ्ता मेरा बूट पॉलिश सारा बेहतरीन हो जाएंगे सारे, और हफ्ते में मैं तैयार होकर तो स्कूल। नौमी ये तुम्हारा सारा प्रोग्राम एक दिन में होने वाला है। वेरी गुड, देखा कितना ज़हीन है, इतना इसको तो बिल्लियां रुक रुक के देखती हैं। क्यों? वो सोचती हैं कि इसको कैसे थ्रू के लेके जाए। फिर जब थ्रू के ले जाती है तो फिर सोचती है इसमें से खाना क्या है। तुम्हें मैंने कहा था कि तुम सीरियसली लेते हो तो अपने लाफ्टर लेते हो, तुम बड़ा खुश हो रहे होते हो कि मेरी मां बड़ी है। यहाँ लायक हो स्टूडेंट, बेशक लायक हो, इन्होंने सिर्फ लाफ्टर लेना होता है। ऐसी बात भी नहीं है नौमी, ये टीचर भी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, इनकी तरफ से जब भी मेरे लिए है ना मुर्गी के पंजों का पुलाव ही आया। ये भी लाफ्टर ही है। वही बात जो मैं कह रहा हूँ, आप बेशक जितना मर्जी पढ़ ले, एक ग्रेड ले ले, बेशक फेल हो जाए, लेना तो इन्होंने लाफ्टर। मेरी कोई लाफ्टर शाफ्टर नहीं, सीरियसली पूरी कौम इस बात पे परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया इस बात पे परेशान है कि 5 माह का अरसा गुजर गया, बच्चे घरों में बैठे हैं, तालीमी सिलसिला मुनकता हुआ हुआ है, बच्चों के जहनों को जंग लग रहा है, और तुम जैसे बच्चे अल्लाह माफ़ी। जो नैदम कल जंग क्यों लग रहा है,
बच्चों को कहें कि घर गेमें खेले मूवीज देखे जंग क्यों लग रहे। वैसे भी पिछली दफा भी जैसे पास किया बच्चों को, ये एक और साल इसी तरह पास कर नहीं नहीं सर, ये कोई तरीका नहीं, इस तरह लायक और नालायक बच्चे का पता ही नहीं लगेगा, घोड़ा और गधा सब बराबर हो जाएंगे। नहीं तो लायक और नालायक का जरूर बताना है, ये लायक है जी ये नालायक है, ये कह कह के बच्चे का जहन ही खत्म कर देते हैं। हमारे मामू भी अबू को यही कहते हैं कि आपने कह कह के बच्चा नालायक कर दिया, ये है ही नालायक, ये है ही नालायक, ये है। वो मामू कहते हैं जिस बच्चे को आप लायक कहना शुरू कर दे वो खुद ही लायक हो जाते। कोई ऐसा काम तो करो मैं तुम्हें लायक कहूं। क्या काम करूं, एक टायर पे मोटरसाइकिल चला के दिखाऊं या एक दिन में फिल्म के तीनों शो देखूं। ये है इसके जहन में अच्छी हरकत। लाजिमिया में लेना एक छोटा सा वक्फा। ओए होए गाइस यार अमेजिंग 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 यार, मतलब सोहेल अहमद साहब यार एने को करेक्टर दे विच ढल जांदे ना। पहली गल तो उनका गेटअप इना सोहना होता, वो जेड़ा मर्जी करैक्टर फड़ लवे है ना ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜੇ ਇੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। बिल्कुल देख के लगता है कि सेटअप किया हुआ, बट वो एक्चुअल माहौल बना देते क्रिएट करते हैं और लाइव चीजा चुकते हैं, मतलब लाइव, मतलब इस टाइम के जी प्रॉब्लम चल रही है मार्शल कोरोना की हो गई, लास्ट टाइम इन्होंने कुछ हो चुका है, उसनों लैके उस कॉमेडी करनी एक बहुत वड्डी गल होंदी है, वह एक सैटअप बना के उस कॉमेडी करनी नाल एक मैसेज भी देना जिन्ना है जिदा इन्होंने किया कि वह बहुत सोहनी गल होंदी है, तो इस चीज़ का इन्होंने सल्यूट है, पूरी टीम सल्यूट है, पूरा एक पता नहीं स्क्रिप्ट होंदा है कि नहीं होंदा है ऑन द स्पॉट जी गल बन, बट जी गल कॉमेडी मैसेज ना भरपूर होंदिया ने, बहुत मजा आता मैं परसनली हसबे हाल की वीडियो बना का, मैं बहुत स्वाद आता, मेरा मन करता है कि चली जाए 10-10, 12-12 मिनटा का एक इनका होंगे सैशन, तो मेरा मन करता होर लंबा होंगे, बट एनी वे बहुत मजा आया, दोबारा इन्हों दिन होर बनावे। दूजी बार फिर कर दो, हुण साडे जिहड़े घर है ना सिस्टर दे बच्चे ने या होर सारे इधर उधर हैगे ने, उह सारे यही कही जांदे कहिंदे कोरोना 2 साल होर चले कहिंदे साडी 12वीं हो जाएगी, सानूं इदां दीआं मौजां लगियां होईआं, 8वीं तों लै के 10वीं तक आ गए कहिंदे 2 साल होर गए कहिंदे साडी 12वीं हो जाणी है, ते इस करके बच्चे दे वी मौजां लगियां होईआं, बट ठीक है। पर बिल्कुल गाइज, मतलब बहुत मजेदार वीडियो सी, बहुत ही एंटरटेनिंग सी, ते जिदा कि इन्होंने कहा कि पूरा एक रियल सिचुएशन बनाती सी कि दो पेरेंट्स दिखाए ने, दो स्टूडेंट्स दिखाए ने, जिदा कि लायक और नलायक की गल हो रही थी, ते उदा ही उन्होंने जड़ा कैरेक्टर प्ले किया, एक ने लायक का ते दूजे ने नलायक होने का, ते मैंने सब तो वधिया गल जिहड़ी ओह लगी कि भी बिल्ली वाली गल, मैनूं कहिंदे बिल्ली वाले मुड़ मुड़ के लैंदे ध्रूवे कि लैके जाइए। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ,
जो दिखाया कि बच्चे किवें चाहते ने कि साडा टाइम कटिया जावे घर ही स्कूल ना जाना पवे ते बिल्कुल बहुत ही मजेदार और ओन दा वीडियो सी ते उम्मीद कर दिया गाइस कि जिदा कि असी हासे खेडिया नाले वीडियो एंजॉय कीती ओदा ही तुसी भी करोगे ते प्लीज साडी दिलो 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 दोबारा रिक्वेस्ट है कि जे तुसी आके चैनल ते वीडियो देख रहे हो ते प्लीज जाके सब्सक्राइब भी जरूर करियो। साडा अगला टारगेट है जी, असी पिछली वीडियो च भी कह सीगा ओ है 100,000 ते प्लीज सानू सपोर्ट करो, प्यार देंदे रहो, खुश रहो, सेहतमंद रहो। लाइक हाजिर होने जी अगली वीडियो ते, तद तक लई ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।